विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। महाराष्ट्र मुंबई मलाड वेस्ट अम्बुजवाड़ी कारगिल रोड पर BMC के बाथरूम की साफ सफाई करने के दौरान एक बाप समेत 2 बेटों की एक ही खानदान के यानी 3 अफराद की मौत से मची हलचल। बताया जा रहा है कि बाप और दोनों बेटे जो कि टांकी में साफ सफाई के लिए उतरे थे, इत्तेफाकी तौर पर एक के बाद दीगर तीनों भी टांकी में गिर जाने से तीनों की मौत वाकई हो गई। कारगिल रोड पर जुमला 4 गवर्नमेंट बाथरूम्स मौजूद है जिनमें साफ सफाई का कोई नज्म नहीं था, जिसके बाद मुकामी लोगों में से ही एक ही खानदान के बाप और बेटे इस बाथरूम की साफ सफाई के लिए उतरे थे, जिसके बाद ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। मुकामी लोग इन अमवात पर BMC की लापरवाही को कसूरवार ठहरा रहे हैं। मरने वालों की शिनाख्त 50 साल राम लखन, 2 बेटे सूरज और विकास के तौर पर इनकी शिनाख्त की गई है। वाकई की इतला मिलते ही XMP गोपाल शेट्टी, मुकामी कॉर्पोरेटर संजय सुधान और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन महिला विंग प्रेसिडेंट रिजवाना ईसा खान और दीगर जिम्मेदारान ने मौके पर पहुंचकर इस अफसोसनाक वाकये पर शदीद गुस्से व बरहमी और अफसोस का इजहार किया। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है एशियन TV न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख, आप देख रहे हैं 24S न्यूज़, सहयोगी चैनल एशियन TV न्यूज़। यहां मलाड वेस्ट अम्बुजवाड़ी कारगिल रोड पे परसों सफाई करनी जो है, यहां सफाई करने के लिए जो बाथरूम की देख रेख करते थे वो सफाई करने के लिए बाथरूम के अंदर उतरे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक राम लखन नाम है उनका, एक बेटा सूरज है और एक बेटे का नाम विकास है। ये तीनों की मौत हो चुकी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए BMC बम्बई, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो BMC को यहाँ अमाउंट का काम करने के लिए बहुत बड़ी BMC पैसे वाली है, यहाँ BMC के पास बहुत पैसा है, लेकिन यहाँ बेचारे लोग यहाँ बाथरूम साफ़ करने के लिए उतरे जबकि BMC के पास सारा साधन है, यहाँ आकर के वो बाथरूम को साफ कर सकते थे लेकिन सफाई उन्होंने नहीं किया। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि BMC के अधिकारी ने 5,000 रुपया राम लखन से मांगा था और उन्होंने BMC को कांटेक्ट किया था साफ़ करने के लिए, लेकिन उन्होंने BMC आकर के यहाँ बाथरूम को साफ़ नहीं किया, इसके वजह से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आज नेता कहाँ है? आज यहाँ पर सन्नाटा पड़सा हुआ है, वो गरीबों का क्या होगा जिनके परिवार के 3 लोग चले गए? BMC कब सूद लेगी? BMC पे कब कार्रवाई होगी? जो इसके लिए जिम्मेदार है, ठेकेदार या BMC जो भी जिम्मेदार है, उस पर कब कार्रवाई होगी, ये देखने की बात है। यहाँ पे गोपाल शेट्टी जी आकर के गए, सुतार जी आकर के गए, लेकिन उसको मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, ये जनता की यहाँ मांग है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर जनता आई हुई है और लोगों में आक्रोश है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैमरामैन शादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। हादसे का बात जो है, चूँकि यहाँ पे जितने निवासी हैं सब जो है गरीब मजदूर किसान हैं, जो अपने हिसाब से मतलब सबकी रोजी रोटी है, कोई जिस समय ये हादसा हुआ उस समय यहाँ पे कोई मतलब स्थानीय जो निवासी हैं जो कुछ लोग थे, बाकी सब अपने काम धंधे पे गए हुए थे। क्या है कि एक तो मैं ही हूँ, मैं रिक्शा चलाने गया था, तो मेरा नाम है सुनील अमरनाथ मिश्रा, मैं 7:30-8 बजे रिक्शा चला के आया, तब मुझे हादसे की जानकारी। क्या हुआ था हादसा? हादसे की जानकारी यही हुई कि ये लोग टंकी साफ करते हुए गिरे हैं, ऐसे ऐसे हादसा हो गई, सबको हॉस्पिटलाइज किया गया है। टंकी साफ करने का काम BMC का है, तो BMC क्यों नहीं की इसका? BMC को जो है BMC को शिकायत किया गया था, BMC की शिकायत करने के बाद उनसे शायद राम लगन जी से 5,000 रुपये की मांग की गई थी, वो पैसा देने में शायद असमर्थ थे, क्योंकि ये जितने बाथरूम बने हैं कुछ स्थानीय लोग तो अपने घर में टॉयलेट बना लिए हैं और 3-4 टॉयलेट होने के नाते अब उसके लोग ज़्यादा वो पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं करते हैं, ज़्यादा वो चलता नहीं था, उसमें 100-200 उनका खर्चा निकलता था कि नहीं निकलता था, चूँकि उसको क्या है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक वो भी थे हमारे सोसाइटी के, इसलिए वो करते थे, इसलिए हमको पता नहीं था, लेकिन ये था कि हम उसको बंद नहीं होने देंगे, जीवित रखने के लिए उसको अपने कि यह हमारी संस्था के नाम से मिला है, इसलिए उसको जिस भी प्रकार में था उसमें तो कई प्रकार के द्वारा ये मिला गया था।
ये ओम जय दुर्गा सेवा सोसाइटी के उस पर हुआ था। इसमें दो साल पहले जो पीछे का ओवरफ्लो टंकी बनाया था उसमें जो है इतना कच्चा काम हुआ था कि उसमें साल भर भी नहीं हुआ था, उसमें एक भैंस गिरी मर गई। सुनिए ना, ये 5000 रुपये जो आपने बोल रहे हैं ना, 5000 रुपये जो मांग किया, ये क्या लेटर कैसा मांगा, मैं रिकॉर्ड फोन से बात हुई, कैसा बात हुई? अब ये इसके विषय में राम लगन जी को ही पता था, चूंकि अब वो तो है नहीं इसलिए कोई बता नहीं सकता। राम लखन जी भी उतरे थे क्या टाकी साहब करना? जी जी, अभी सुनने परिवार का और कोई था? उनका लड़का, दो लड़के थे। कितने लोगों की डेथ हुई है? तीन लोगों की डेथ हो चुकी है। एक ही परिवार से तीनों थे? हाँ। क्या, दो क्या नाम है? सूरज नाम था, सूरज केवट, विकास केवट और राम लगन केवट, तीनों एक ही परिवार? जी हाँ, राम लगन उसके पिताजी थे, सूरज और विकास दोनों बच्चे थे। बच्चों की क्या उम्र थी? एक की 18 साल है, एक की 22 साल है। अच्छा, इस मामले को लेकर आपके एरिया में कई नेताओं ने दौरा किया है, इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे और नेता ने आपको क्या आश्वासन दिया है? अभी कौन कौन आए थे? कुछ देर पहले जो है सुतार साहब भी आके गए जी, उन्होंने भी कहा जो हमसे हो सकेगा हम आर्थिक मदद करेंगे, सिर्फ आश्वासन दे के लोगों को गए हैं। गोपाल सेट्टी जी भी आए थे तो उन्होंने कहा कि जो हमारे सांसद निश्चय होगा वो हमारे तुरंत जिला कार्यालय पे भेजिए और तुरंत लाके इनके परिवार को मुआवजा दीजिए, बाकी जो होगा वो हम कानूनी लड़ाई लड़के इनके जो है परिवार को हक मुआवजा दिलाएंगे, बीएमसी से भी, और इनके बच्ची की शादी के लिए कहे हैं और इनके जीने के लिए कुछ ना कुछ हम इनको। इस हादसे का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? हम इस हादसे का जिम्मेदार बीएमसी को मानते हैं, क्योंकि बीएमसी इस टॉयलेट को जब से बनाई है ना तो आज तक हम लोगों को कोई एमयू कॉपी दी है ना कोई भी पेपर हम लोगों के हैंड ओवर आज तक नहीं। आप क्या देखें और आप क्या बताएंगे? देखिए, ये हादसा जो हुआ, बाथरूम के अंदर तीन लोगों की मौत हो चुकी, ये मौत के जिम्मेदार बीएमसी है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में भी गई, शताब्दी हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करी, जब जाके सूरज की सूरज ऑफ हो चुका था, उसका दूसरा भाई है विकास वो भी ऑफ हो चुका था, उसके डैडी जो थे वो वेंटिलेटर पे थे, तो आज डैडी भी वो भी ऑफ हो चुके हैं, तो तीनों जो हत्याएं हैं वो बीएमसी के ऊपर हम वो करते हैं कि बीएमसी की वजह से हुई है, बीएमसी की लापरवाही से हुई है। जब यहाँ पे टॉयलेट नहीं थी, सब खुले में जाते थे, तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत यहाँ पे टॉयलेट पास कराई गई, तो उसके जरिए कई तकलीफें टॉयलेट में हैं, ये 8 साल से टॉयलेट है, इसमें कई तकलीफें हैं, पानी की सुविधा नहीं रहती, गंदगी रहती है, तो बीएमसी इस पर नज़रअंदाज करती है, क्योंकि गरीब जनता है इसके लिए नज़रअंदाज करती है। तो मैं हमेशा, मेरी ये लड़ाई है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड लेटर है, 2 साल से मेरे कई ऐसे टॉयलेट यहाँ पे बने हुए संस्था के माध्यम से, लोकल पब्लिक को लेकर यहाँ पे हमने टॉयलेट बनाए बीएमसी की हेल्प करके स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पे जो पी नॉर्थ वार्ड के ऑफिसर है उनके कान पे जू नहीं रेंगती सफाई को लेकर। मैं विद लेटर बताना चाहूँगी कि इस तरीके से काम करने वालों को यहाँ से तबादला किया जाए, और जो ये मौत हुई है उसके जिम्मेदार बीएमसी के वार्ड ऑफिसर को किया जाए और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर को किया जाए, जो यही है जिनका काम है कि सफाई के लिए गाड़ी भेजना। नाज़रीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहां पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए, हमारा पता है मासअप टैंक फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,